नमस्कार दोस्तों, मार्केट मित्र चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे साड़ी बिजनेस के बारे में, कि हम साड़ी का धंधा कैसे शुरू करें और कैसे हम ख़रीदारी करें जिससे हम आने वाले समय में हम कोई घाटा ना खाएं, कोई नुकसान ना हो हमारा। दोस्तों सर्वप्रथम तो आपको ये करना होगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, गाँव या शहर में, तो आपके वहाँ किस टाइप का कपड़ा चलता है और किस टाइप की डिज़ाइन, वो लेस बॉर्डर चलता है या विदाउट लेस चलती है साड़ियाँ, और एवरेज किस रेट तक लेडीज़ खरीद सकती है। ये सब जानकारी हमें एकत्रित करनी होगी, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करना होगा। इसके लिए आपको कुछ अपने घर के सदस्य, महिला सदस्यों को साथ में रख के ये आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हम नुकसान वहाँ खाते हैं जहाँ हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि आप सूरत गए या कहीं किसी भी मार्केट गए, होलसेल मार्केट में, और आप वहाँ से इस टाइप की साड़ी ले आए या ऐसा कपड़ा ले आए जो आपके इधर नहीं चलता है, या विदाउट लेस ले आए या लेस बॉर्डर ले आए, तो वो कपड़ा आपके इधर नहीं चलता है, तो आप उस माल का क्या करोगे? ये सब नुकसान हो जाएगा। सबसे बेहतर होगा कि आप अपने परिवार के सदस्य, महिला को साथ ले जाएं, और महिलाओं को बहुत सारी जानकारी होती है कि सामने वाला दुकानदार जो रेट बता रहा है, क्या इस रेट में अपने वहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर अपन ये ख़रीदेंगे तो किस रेट में सेल कर पाएंगे। ये सब जानकारी महिलाओं को अच्छी तरह से होती है। अगर आप नया नया धंधा शुरू कर रहे हो तो इसमें यह सब जानकारी चाहिए। अगर आप किसी भी दुकान पर होलसेल साड़ियाँ लेने गए हैं, माना कि आपका बजट 50,000 रुपये है, तो आपको सामने वाला दुकानदार अपनी बातों में उलझाएगा, तो आपको क्या करना है कि अपनी हिसाब से देखना है। जैसे कोई फर्स्ट साड़ी दुकानदार ने सस्ती बता दी आपको 100-150 जो भी, अगर आपको पसंद आ गई तो उसमें से आप 5,000 या 10,000 की साड़ी ले सकते हैं। आप ऐसे करके आप 10 दुकान पर घूमिए, 5 दुकान पर घूमिए, जहाँ से आपको जो सही लगे उस रेट में आप माल खरीद लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 6 जगह से साड़ियाँ ख़रीदी तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको 6 तरह की वैरायटी मिल जाएगी, और जब आप नया शुरू करें तो लेडीज़ आएगी तो उनको एक पसंद नहीं आई तो दूसरी नहीं तीसरी, इस टाइप से आपकी भी कैटेगरी बन जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी उसमें लेवल हो जाएगा, और इसमें आपको अनुभव भी मिलेगा कि आपको एक जगह से ख़रीदने में और अलग अलग जगह से ख़रीदने में कितना फ़ायदा है। वैसे तो अपन को कहीं पे भी देना है, कैश वाला काम है, उधार वाला काम तो कर ही नहीं रहे हम। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप 50,000 लेके जा रहे हैं तो आप 5, 6, 7, 8, 10 दुकान तक विज़िट कीजिए, जहाँ से जो सस्ता मिले वो ले सकते हैं आप। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये है कि किसी पर भी भरोसा न करना चाहिए हमें। भरोसे से क्या है कि आपको उलझा लेते हैं लोग। आपको अगर 50,000 का माल लेने गए हैं तो आपको वहाँ 50,000 एक ही दुकान से लेना पड़ेगा, तो हमें ये नहीं करना है। हमें यही करना है कि अलग अलग जगह से अलग अलग माल ख़रीदना है और हमें अच्छा मुनाफा मिले, इस टाइप की हमें साड़ियाँ ख़रीदनी है। स्टार्टिंग में शॉप लगा रहे हो या फेरी कर रहे हो आप, तो मार्जिन अपना कम रखें। कम से ये कि लोग धीरे धीरे आपसे जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद तो आप पता है कि थोक में माल जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप 100 में साड़ी लाएं तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट 250 में बेच दो, एकदम लखपति नहीं बना जाता है। धीरे धीरे अगर 100 में लाए तो आप 150 बेचिए, 150 में लाए 200 में बेचिए, 200 में लाए 250 में बेचिए, इस टाइप से बिज़नेस को अपना ग्रो करना है। तो दोस्तों साड़ी मार्केट के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे आगे भी, ये पहला वीडियो है। आशा करता हूँ कि आपको जितना भी समझ में आया हो तो एक भाई के लिए लाइक, और अपना भी अनुभव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे मुझे भी पता चलेगा कि वाकई में किसके साथ क्या हुआ है, कोई अच्छा बुरा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।